देख जूही, किसी भी राजकुमार के बारे में सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, और जो सपना तू देख रही है उससे तुझे अपने काम में तरक्की मिलेगी, उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तू। एक बात कहूं जूही, बेटा प्यार भी बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, पर अगर तुम राहुल से प्यार करती हो तो उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। ये सब मैं तुझे अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, मैंने भी तो प्यार किया था। सच्ची? चूड़ी वाले से। चूड़ी वाले से? उसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी, जैसे ही वो आवाज लगाता था मैं फौरन दौड़कर उसके पास जाती थी। ताई जी आप? हाँ, और फौरन अपना हाथ आगे कर देती थी मैं। लेकिन हम दोनों के बीच में ना एक दरवाजा था जो दीवार का काम करता था, कभी चेहरा ही नहीं देखने को मिला। फिर क्या था, लाल हरी पीली नीली सब चूड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मुझे बड़ी बेचैनी थी, अब मैंने सोचा एक बार चेहरा देख ही लूं। वो कैसे थे? हाय रब्बा, अब तुझे क्या बताऊं कैसे थे वो। गंजे थे वो, मैं दांत नहीं थे, मेरी दादाजी की उम्र के थे वो। ताई जी आप भी ना, तू क्या समझी, अमिताभ बच्चन जैसे थे वो। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी तुझे हंसाने के लिए। ताई जी आप भी ना। ताई जी मुझे देर हो रही है, मैं चलती जो ही। तेरे सारे सपने पूरे हों जूही, सपनों से मुंह मत फेरना बेटा, क्योंकि सपने ही जिंदगी होते हैं, समझी। लेकिन ताई जी कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल ही नहीं होती, तभी हमें अपना एक फैसला करना होता है और एक सपना चुनना होता है, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना एक वो सपना चुन लिया है। से यार, तू तो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, छोटी सी चोट है। हे राहुल, मुझे जरा सीजर देगा प्लीज। राहुल, मैंने सीजर मांगी थी। सॉरी अमित। सिस्टर, एक काम करना, एक टेटनस दे देना इनको। हाँ ओके, कम राहुल चले। डॉक्टर राहुल, इस खुशी कोई खास वजह? कुछ नहीं है, कल रात में सिमरन के साथ था वो। ओह माय गॉड राहुल, ये तुमने क्या किया यार, पता है मुझे तुमसे यू भी दी थी यार। ओमी शट अप यार, आई एम सीरियस यार, मेरा दिमाग खुद नहीं काम कर रहा। सिमरन को क्या बताऊं, क्या समझाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सच सुन ही नहीं पाएगी, या शायद वो सच सुनना ही नहीं चाहती। राहुल उसके लिए मत डिसाइड करो। हाँ दो कप चाय। उम्मीद, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कह पाया उसे। अब तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। कभी कभी तो मैं अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस करता हूँ, और जूही कब तक समझती रहेगी, और किस हक से उसे और वक्त मांगू। राहुल, जब सामने कभी रास्ता नजर ना आए ना, तो समझ लो मंजिल बहुत करीब है। मम्मी तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ जूही को चाहता हूँ, सिमरन तो दोस्त है। वो दोस्त जो तुमसे प्यार करने लगी। हाँ, अब मैंने उस दोस्त को खो दिया, अब तो उसे मुझ पर और जूही पे शक भी हो गया। इनफैक्ट कल रात को उसने मुझसे पूछा भी, वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। राहुल, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, सिमरन को सब कुछ साफ साफ बता दो। हाँ उसे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन राहुल क्या तुमने कभी सोचा है अगर यही बात सिमरन को कोई और बताएगा तो? तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी राहुल। कोशिश तो करूंगा, लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं अपनों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। राहुल, इस झूठी खुशी से तो वो दुखी अच्छा है ना? I guess so. Anyway, don't worry. ठीक हो जाएगा। जूही। हाँ राहुल। मैं जान
जानता हूं तुम मुझे बार बार माफ नहीं कर सकती। राहुल तुम्हारी गलती क्या है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? एनीवे राहुल मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। जूही तुम ये सब गुस्से में कह रही हो, कितनी बार मैंने अपना वादा तोड़ा है ना, लेकिन मैं भी क्या करूं, हालात से मजबूर हूँ। देखो राहुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। बस करो जूही, मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कितनी तकलीफ में हो। जूही मुझे पता है कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे, शायद उससे भी ज्यादा, इसलिए तो तुम मेरी हर गलती को माफ कर देती। लेकिन मैं आज अभी और इसी वक्त ये सब बदल दूंगा, तुम्हें अब और कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल जो काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वो मैं आज करूंगा। आज मैं सिमरन को सच सच बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, और जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ वो तुम हो और कोई नहीं। बाकी सब मैं देख लूँ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। ओके बाय। ये लो। अब कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, पहले से अच्छी हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना जूही, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई। ठीक से क्या, मैं तो बिल्कुल ही नहीं सो पाई। इसीलिए तुम्हें चक्कर आ गया था? हाँ आई गेस। जूही मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? हाँ। पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को नहीं बताओगी, ओके? नहीं बताऊंगी। एक्चुअली वो क्या है ना जूही, कैसे कहूँ, कल रात राहुल और मैं अकेले थे और कोई नहीं था। राहुल पूरी रात मेरे साथ था। अब तो तुम्हें सारी जिंदगी साथ ही गुजारनी है ना? हाँ पर शादी से पहले ये सब सही नहीं लगता है ना? ये फैसला तो तुम दोनों ही कर सकते हो ना? जूही अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? पता नहीं। जूही हाँ थैंक्स, इट्स ओके। राहुल अगर फ्री हो तो उसे भेज दोगी प्लीज? ओके।
हेलो ताई जी। जूही बेटा क्या बात है, कैसे फोन किया, सब ठीक तो है ना? पता है ताई जी, आज डॉक्टर शशांक ने है ना सबके सामने मेरी तारीफ की। अरे वाह शाबाश बेटा। अब तो एक काम कर, जल्दी से घर वापस आ जा, मैं तेरे लिए खीर बना रही हूँ। अच्छा चल रखती हूँ फोन, कहीं खीर ना जल जाए मेरी। ताई जी। हाँ बेटा बोल। कुछ नहीं। जूही बेटा सब ठीक तो है ना? तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? सब ठीक है ताई जी, वो फोन की लाइन खराब है ना इसलिए आवाज ऐसी आ रही है। मैं रखती हूँ। हाँ आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।